अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बोनलेस चिकन की है। अब ये मैंने अपने घर में ना खुद ही ऐसे ही इन्वेंट कर ली थी एक्सपेरिमेंट में, तो हम चले इसको ये नाम दे देते हैं मसाला बोनलेस चिकन विद क्रीम एंड बटर। ओके, और इसमें ये हम जो है 1 kg बोनलेस चिकन जो है ये यूज़ करेंगे, और साथ में जो चीज़ें डालेंगी वो मैं आपको जैसे जैसे मैं इसमें डालूंगी पैन में तो बताती जाऊंगी। तो मैंने ये एक पैन जो है इसके अंदर वो कर दिया है, फ्लेम पे रख दिया है, और इसके अंदर मैंने 1/2 cup ऑयल गर्म होने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। और 1 kg चिकन के अंदर ये 2 मीडियम साइज अनियंस जो हैं ये मैंने ग्राइंड करके और रखी हैं। इसको सबसे पहले हम ये 2 मीडियम साइज अनियंस को जो ग्राइंड हुई हैं इसको इसके अंदर ऑयल में थोड़ा सा पिंक करेंगे। ओके, वील वेट टिल द अनियंस आर पिंक, उसके बाद हम इसके अंदर कुछ और डालते हैं। ये देखिए इसमें अनियन का कलर थोड़ा चेंज हो गया, हमने ग्राइंड की भी अनियन डाली थी। अब इसके अंदर हम ये 1 kg बोनलेस चिकन जो है ये डाल देंगे। ये यहाँ लगाना भूल गए, इट रियली वर्क, अच्छा रहता है, इससे पीछे ना स्प्लैश होके कुछ आता नहीं है। तो ये हमने बेसिकली 1/2 cup ऑयल में 2 मीडियम साइज ग्राइंड की हुई अनियन जो है वो थोड़ी सी पिंक की, और उसके अंदर हमने 1 kg बोनलेस चिकन जो है ये ऐड किए। इसके साथ ही ये हम इसके अंदर मैंने 6-7 क्लोव ऑफ गार्लिक, 1 inch की जिंजर, जैसे हम यूजली खानों में जितना डालते हैं ना अदरक लहसुन वो, तो जिंजर गार्लिक, और इसमें मैंने 3 बड़ी साइज की वो ग्रीन चिलीज जो होती है, मोटी वाली जो ग्रीन चिलीज होती है ना, ये मैंने इसके अंदर वो ग्राइंड करके डाली है, अदरक लहसुन और 3 ग्रीन चिलीज। अच्छा, आपने अगर ज़्यादा मतलब आप स्पाइसी खाते हैं तो आप 3 चिलीज के बजाय 4 चिलीज कर लें, मतलब ये तो आपके अपने ऊपर है, 4-5 कर लें आप, मैंने इसके अंदर 3 डालनी है, ठीक है ना। तो ये अब हम इसके अंदर ये अदरक लहसुन और चिली का जो पेस्ट है ग्रीन चिली का, एट दिस पॉइंट वी विल ऐड दिस। चिली को जब आप गार्लिक के साथ वो करते हैं ग्राइंड और फिर आप उसको ऑयल में डालते हैं, बेइंतहा अच्छी जो है स्मेल आती है उसकी ना, तो यही स्मेल अभी इस वक्त किचन में आ रही है। इसको ज़रा सा भूनेंगे हम इसके साथ ताकि ज़रा सा ये कच्चापन इसका जो है अदरक लहसुन का ही थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो हमने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली डाल के थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको कुक करना है ताकि ये सही हो जाए। अब ये हो गया है टाइम 1-2 मिनट, अब हम इसमें बाकी के मसाले डालते हैं। ये ब्लैक पेपर है, ये मैंने 1.5 teaspoon डाली है। अगेन इफ यू लाइक स्पाइसी फूड तो आप इसको ज़्यादा कर लीजिएगा, मैंने 1.5 teaspoon डाली है, ठीक है ना। एक एक चीज़ डालते हैं और इसको अच्छे से जो है मिक्स करते हैं। ये चिली फ्लेक्स हैं, अच्छा ये भी काफ़ी स्पाइसी बना देते हैं उसको, क्या कहते हैं खाने को, इसके साथ ही ज़रा मैंने अगेन ये 1 teaspoon डाली है, ठीक है ना। और आपको ज़्यादा खानी है आप अगेन ज़्यादा कर लें, जब ये सब
मसाले डल जाएंगे, थोड़ा सा ये भून जाएगा ना, तो उस वक्त आप इसको टेस्ट करके देख लें, और आपको अगर लग रहा है इट्स नॉट स्पाइसी इनफ फॉर यू तो आप उस वक्त इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर लें, या अगर आपको अंदाज़ा है कि आप इससे ज़्यादा ही खाते हैं तो आप पहले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने अभी तक इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स डालें। अब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डाला है, 1 टीस्पून डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा और। एंड अगेन ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से खाएंगे, ठीक है ना, जो भी आपके घर में जिस तरह का नमक खाया जाता है उस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ये गरम मसाला जो है थोड़ा सा, ये मैंने डाला है 3/4 टीस्पून, ठीक है। पहले हमने आधे कप ऑयल में 2 मीडियम साइज ग्राइंड की हुई प्याज जो है वो थोड़ी सी फ्राई की, उसके अंदर हमने बोनलेस चिकन डाला 1 किलो, उसके अंदर हमने 6-7 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 1 इंच के जितनी अदरक, और 3 हरी मिर्चें जो है वो ग्राइंड करके डाली, इसको थोड़ा सा पकाया, उसके अंदर हमने 1/4 चम्मच चाय का जो है वो नमक डाला, 1.5 चम्मच काली मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और 3/4 टीस्पून गरम मसाला, ये देखें, ठीक है। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर ये जो हमारा घर का दही रखा होता है ये हम डेढ़ कप समझे जितना है मैंने इसके अंदर दही डाल दिया, बट क्रीमी और अच्छा दही। अब ये दही डालने के बाद आपने इस मसाले को थोड़ा सा भूनना है, ठीक है ना, उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ऑयल साइड्स पे, जिस तरह मसाला भूनते हैं तो ऑयल आ जाता है ना साइड पे, उस तरह से जब तक ऑयल साइड पे आ जाए आपने उस वक्त तक इसको थोड़ा सा कुक करना है। अच्छा, ये मैंने इसमें जो मसाला भुनने के लिए रखा था ना इसके अंदर, उसी वक्त मैंने ना इसका लिड भी लगा लिया था, क्योंकि आपको पता है कि बोनलेस चिकन जो है ये बड़े जल्दी से गल जाती है, तो इसमें जब हमने दही डाला था ना मसाले के साथ उस वक्त आप इस तरह से ना लिड लगा दें, वो दही के साथ ही ना ये देखिए वो गल भी जाएगी, इतना अच्छा सा मसाला भी इसका भुन जाएगा फर्स्ट क्लास का। अब आप इसके अंदर ये मैंने ज़ीरा जो है ड्राई रोस्ट करके उस पर और उसको ना गदरा गदरा सा मोटा मोटा सा पीस लिया है, तो ये जब आपका सब ये भुन भुन जाए ना चिकन, तो इस वक्त एट दिस टाइम आप ये ऊपर से आखिर में इसके अंदर ज़ीरा जो है 1 टीस्पून जितना ये डाल लें, उसके बाद इसको आप अगेन थोड़ा सा मिक्स कर लें, इसकी इतनी अच्छी ज़ीरे की स्मेल आ रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना इसके अंदर अगर आपने इस तरह रखना है तो ग्रेवी टाइप का तो आप रहने दें, वरना आप इसको थोड़ा सा और कुक कर लें ताकि ये बिल्कुल ड्राई सी हो जाए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी ही लगती है वरना तो खाने में ज़रा हो जाता है। एंड एट दिस टाइम वी विल एड अ बिट ऑफ बटर इन इट, ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें बटर डाल दिया, बहुत इजी उसी रेसिपी है। और ये मैंने ऐसे ही एक दिन जो है ना, मेरे पास घर में कोई वो नहीं थी सब्जियां वगैरह, सिर्फ चिकन पड़ी हुई थी। देखें आप इसके अंदर कोई अलग से चीज़ हमने नहीं डाली, क्रीम अगर पड़ी हुई हो तो बटर भी घर में ही होता है, ये बड़े आराम से बन जाती है और बहुत मज़े की होती है ना, ज़रा चटपटी सी है क्रीमी, तो ये ईजाद इस तरह से हो गई थी किचन में, ये चिकन बटर इसके अंदर डाला था। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा, अच्छा ये क्रीम आपकी मर्जी है आप जितना डालें, ठीक है ना, मैं ये 2 टेबल स्पून उसमें मैंने
क्रीम डाली है और इसको मिक्स करके इसमें जीरे की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, इतनी जल्दी से ही हमारी चिकन बन गई है। अब आप इसको जो है लिड लगा के 2-3 मिनट के लिए बस इसको जो है जैसे कहते हैं ना दम पे रखना, इस तरीके से आप बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम पे रख दें एंड द चिकन इज रेडी। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जितनी देर हमने ये दम पे रखी हुई है तो ये हमारा घर का जो पार्सल है इसको हम तोड़ के धो लेते हैं और चॉप कर लेते हैं गार्निश के लिए। बड़ा अच्छा चल रहा है ये, इसमें नए पत्ते भी खूब सारे निकल आए। ये देखिए ये मैंने डिश आउट कर लिया, बहुत ही मज़े की बनी है ये। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं और आवर चिकन इज रेडी। ये जो हमने अपना घर का पार्सले तोड़ा है थोड़ा सा इस पे ये डाल देते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर जीरा छिड़क देते हैं। चूंकि हमने इसमें क्रीम यूज किया क्रीम सो दैट वी नो चिकन मेड विद क्रीम एंड बटर, और थोड़ा सा आप ये बटर जो है ऊपर इसके यहाँ पे रख दें। सो देयर यू हैव इट, आवर बोनलेस चिकन मसाला चिकन विद क्रीम एंड बटर। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल बटन जो है उसे भी क्लिक कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। बाबी हैविंग फन इन द किचन प्लेइंग विद द किचन रग। See you moving.